तो हेलो फ्रेंड, एल्गोरिथम चैनल। आज हम लोग एक बैटरी जो नहीं चल रहा है, पूरी तरह डेड हो गया है, वो कोई काम के नहीं है, ऐसे बैटरी को फिर से आप रिपेयर करके, ठीक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही हम लोग दिखाएंगे, 2 मिनट के अंदर आपका बैटरी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कुछ दिन पहले हमने एक ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर किया था, तो इस ब्लूटूथ के अंदर जो बैटरी था, ये बैटरी पूरी तरह ख़राब हो गया था, पूरी तरह डेड हो गया था, कोई चार्ज भी नहीं हो रहा था, एलईडी लाइट भी नहीं चल रहा था। तो मैंने ये बैटरी मैंने फेंक दिया था, यहाँ पर मैंने एक नया बैटरी लगा के ये ब्लूटूथ स्पीकर मैंने ठीक किया था। तो ये वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई में आपको मिल जाएगा, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो बैटरी मैंने फेंक दिया था, वही बैटरी को ये इस वीडियो में रिपेयर करके यूज़ करेंगे, मगर नया बैटरी जैसा बैकअप देगा, जितने देर तक चलेगा ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन के लिए आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड, ये बैटरी ठीक करने के लिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, तो आप यहाँ पर आई में आप चला जाइए, यहाँ पर आप जाकर आप देख सकते हैं आप कैसे 9 वोल्ट नहीं तो 6 वोल्ट डीसी आउटपुट होता है, ऐसे कोई एलिमीटर तैयार कर लीजिए, यहाँ पर ऊपर आई में आपको मिल जाएगा ऐसा वीडियो। तो कोई मोबाइल चार्जर से आपका ये ठीक नहीं होगा, आपके पास कोई एलिमीटर है तो उस एलिमीटर से आप एक बार चार्जिंग कर दीजिए, चार्जिंग करने के बाद आपके उस बैटरी में फिर से जान आ जाएगा, फिर से काम करने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरा एलिमीटर है, यह 9 वोल्ट डीसी आउटपुट हो रहा है, यहाँ से एसी इनपुट हो रहा है इस एलिमीटर में, और डीसी आउटपुट हो रहा है, डीसी हम डायरेक्ट यहाँ पर बैटरी में कनेक्ट कर दिया है तो बैटरी चार्ज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा एलईडी लाइट है, जो मैंने एक रजिस्टर लगा के हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलईडी लाइट जल रहा है, चार्ज हो रहा है, ये बैटरी चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड, ऐसे आपके घर में कोई भी बैटरी हो तो मतलब पूरी तरह डेड हो गया है, तो ऐसे बैटरी को फिर से आप चार्ज देकर आप वो बैटरी ठीक कर सकते हैं, मगर एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जो बैटरी बहुत सारा चार्ज देने के बाद भी थोड़ा सा बैकअप हो रहा है, बैकअप ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो वो बैटरी ऐसे ही आपको फेंक देना ही अच्छा होगा, मगर आपका जो डेड बैटरी जो चार्ज ही नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, कर सके आप फिर से वो बैटरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी जो कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं है, मगर एलईडी लाइट जल रहा है, बैटरी में थोड़ा सा चार्ज हो गया है, इसलिए इस एलईडी लाइट जल रहा है। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।